अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप का पार्ट टू। ग्रुप पार्ट वन में आपने ये जाना कि ग्रुप क्या है, इसकी डेफिनेशंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसकी एनालिसिस की गई थी। ठीक है, अब स्टार्ट होता है पार्ट टू, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक आस्पेक्ट क्या है ग्रुप का, किस तरह से ग्रुप बनता है, उसमें होता क्या है ग्रुप में। ठीक है, तो एवरी ग्रुप विच इज़ ट्रूली अ ग्रुप एज पर द डेफिनेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजिस्ट हैज़ एटलीस्ट फोर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। ठीक है, चार तो होते ही हैं इसके इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, बस की से ज़्यादा भी हो सकते हैं, विच साइकोलॉजिस्ट हैव कॉल्ड द बेसिक आस्पेक्ट ऑफ द ग्रुप। ठीक है, अगर कोई ग्रुप सही मायने में ग्रुप है तो उसमें ये चार जो मैं बताऊँगी आगे डिस्कस करूँगी, जैसे रोल, स्टेटस, नॉर्म्स, कोहेसिवनेस, ये इम्पॉर्टेंट फीचर्स तो होने ही चाहिए, इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट तो होने ही चाहिए, तभी हम इसको कहेंगे कि वो एक ग्रुप है। ऐसे ही हम नहीं कह सकते किसी भी चीज़ को या किसी भी बंडल ऑफ द या कलेक्शन ऑफ द पर्सन्स को कि वो ग्रुप है। इसको ग्रुप कहलाने के लिए ये चार आस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब पहला आस्पेक्ट जो है वो है रोल का। इन अ ग्रुप एवरी मेंबर्स प्ले अ पर्टिकुलर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क। ठीक है, ग्रुप में हर जो मेंबर है, प्रत्येक सदस्य एक स्पेसिफिक रोल को या स्पेसिफिक वर्क को या वर्क परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे फैमिली ग्रुप की बात हम लोग करते हैं, फैमिली में फादर का अपना रोल है, मदर का अपना रोल है, सिस्टर का अपना रोल है ना, ब्रदर का अपना रोल है, चाचा का अपना रोल, चाची का अपना रोल, सबके अपने अपने रोल डिफाइंड हैं और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग सेट हैं। दिस मीन्स दैट एवरी मेंबर हैज़ अ स्पेसिफिक रोल। इसका कहने का मतलब ये है कि हर ग्रुप का जो मेंबर है उसका अपना खुद का रोल है, कोई स्पेसिफिक भूमिका होती है जिसे वो प्ले कर रहा होता है। कुछ रोल्स जो होते हैं वो मेंबर्स को ग्रुप की ओर से दिए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे मेंबरशिप की वजह से वो उसको लेता है। ठीक है, अब हमेशा ये नहीं कि हम फैमिली की ही बात करेंगे। अब जैसे फैमिली में एक अगर पेरेंट्स अपने बच्चे की शादी करते हैं, लड़के की शादी करते हैं, तो बहू आती है और बहू को भी नए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं क्योंकि अब उसने उस फैमिली की मेंबरशिप एक तरीके से ले ली। लेकिन अब हम सही मामले में मेंबरशिप की बात करें तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे स्कूल्स ले लीजिए, प्रिंसिपल हैं या सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, प्रिंसिपल है, ठीक है, डायरेक्टर है, टीचर्स हैं, तो वो लोग क्या कर रहे होते हैं, वो लोग एफिलिएटेड हैं उस कॉलेज से, उनको अपना सेट मेंबरशिप की वजह से अपना रोल्स दिया गया है, अपनी एक स्पेसिफाइड भूमिका है उनकी जिसकी वजह से उन्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होती हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में जो मेंबर है उस रोल को इंटरनलाइज कर लेगा और उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा जिससे उसका बिहेवियर डायरेक्टेड होगा और कंट्रोल्ड होगा। ठीक है, यही बात बताई गई है कि बैंकर्स और जिम्बार्डो ने अपनी स्टडी में जो एक स्टडी वो बता दे रहे हैं, स्टडी में यह पाया कि जिन कॉलेज स्टूडेंट्स को प्रिजनर्स और जिन स्टूडेंट्स को गार्ड की भूमिका के लिए दिया गया था वे मात्र कुछ ही दिनों में एक वास्तविक रियल प्रिजनर। ठीक है, ये प्रिजनर्स डिलेमा करके एक कॉन्सेप्ट आया था जिसमें इसको बीच में इस स्टडी को बंद कर दिया गया था क्योंकि जब उन्होंने ये देखा कि अगर हम स्टूडेंट्स को प्रिजनर्स की तरह और कुछ स्टूडेंट्स को गार्ड की भूमिका दे दें, रोल दे दें, तो क्या वो उस रोल को निभाते हैं, तो उसमें पाया गया कि जो स्टूडेंट्स थे वो प्रिजनर्स की भूमिका निभा रहे थे और जो गार्ड की भूमिका निभा रहे थे वो कुछ ही दिनों में एक रियल प्रिजनर यानी कि कैदी और एक रियल गार्ड यानी कि रक्षक के समान व्यवहार करने लगे और ये दोनों ही रोल्स जो थे उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन के उभर के सामने आए। जो प्रिजनर्स थे यानी कि कैदी थे जो पहले अधिक या एग्रेसिव बिहेवियर करते थे, धीरे धीरे क्या हो गए, पैसिव और डिप्रेस होने लगे क्योंकि जो वहाँ पे पाए जाने वाले गार्ड थे, स्टूडेंट जो गार्ड बने थे वो अपने आप को सीरियसली गार्ड के रूप में उन्होंने इंटरनलाइज कर लिया कि हम सच में गार्ड हैं, हमें ये जो क्राइम है वो रोकना है, वो बहुत ब्रुचुअल यानी क्रूअल हो गए और उसको मारपीट करने लगे और उनका मतलब एक मकसद था कि हम इन प्रिजनर्स को सुधार दें। तो इसी वजह से बीच में ही इस एक्सपेरिमेंट को बेटा रोक दिया गया था। मतलब समझिए कि आप एक अगर किसी इंस्टीट्यूशन की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप ले लेते हैं तो आप उसको इतना इंटरनलाइज कर लेते हैं
कि वो आपकी सेल्फ का, आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट का पार्ट बन जाता है, यही बताया गया है रोल्स में, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटस। स्टेटस क्या है? द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप हैव डिफरेंट पोजीशंस। सम मेंबर्स ऑफ द ग्रुप होल्ड हाई पोजीशंस व्हाइल सम मेंबर्स होल्ड मिडिल एंड लो पोजीशंस, ठीक है। मतलब कि जो ग्रुप के जो सदस्य हैं उनकी जो पोजीशंस हैं सब सबकी अलग अलग होगी भाई, सबकी एज एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा, ठीक है, एजुकेशन के अकॉर्डिंग। ग्रुप के कुछ जो मेंबर्स होते हैं हायर पोजीशन पे होते हैं, कुछ लोअर पोजीशंस पे होते हैं, कुछ मिडिल पोजीशन पे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रुप का जो लीडर है वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होगा और जो अदर मेंबर्स हैं वो क्या होंगे, लोअर पोजीशंस पे होंगे। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे जो बैठे हुए लोग होते हैं, आसीन जो लोग होते हैं उनके रोल्स भी अलग अलग होते हैं। जो मेंबर्स हायर पोस्ट पर बैठे हुए होते हैं उनकी पहुंच ग्रुप के रिसोर्सेज तक तथा लोअर पोस्ट पे जो बैठे हुए लोग हैं उनकी तुलना में अधिक होती है। भाई हायर पोजीशन जो लोग होंगे उनकी पहुँच ज़्यादा होगी रिसोर्सेज तक, ठीक, कंपैरेटिवली लोअर पोस्ट के। और ये जो हायर पोस्ट पे लोग बैठे होते हैं इनको प्रतिष्ठा भी मिली होती है, मतलब कि प्रेस्टीज भी मिली होती है और डोमिनेंस भी मिला होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट जो हमें ध्यान रखना है, ग्रुप के नॉर्म्स क्या हैं। आपका जो ग्रुप है, आप जिस ग्रुप को फॉलो कर रहे हो, भाई ज़रूरी नहीं है हर एक इंसान सिर्फ एक ही ग्रुप के नॉर्म्स या एक ही ग्रुप का पार्ट बन के रहेगा। भाई हमारे साथ क्या है, हम लोग फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स दोनों की मेंबरशिप्स को फॉलो करते हैं। भाई आप फैमिली के सदस्य हो तो एक ग्रुप में हो, आप किसी पीयर ग्रुप के सदस्य हो तो एक ग्रुप में हो, आप किसी प्ले ग्रुप में खेलते हो, मतलब आपका एक अपना खेलने वाला ग्रुप है तो वो उस ग्रुप के अलग नॉर्म्स होंगे, है ना। इस तरीके से नॉर्म्स क्या करते हैं, नॉर्म्स आर अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ एनी ग्रुप विच हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द बिहेवियर ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। किसी भी ग्रुप का जो नॉर्म्स है एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट ग्रुप के मेंबर्स के बिहेवियर पर पड़ता है। ग्रुप के जो नॉर्म्स हैं उससे मतलब है कि पहले से जो इस्टेब्लिश रूल्स हैं जिसके अनुसार जो मेंबर्स हैं मेंबर्स का बिहेवियर की उम्मीद की जाती है कि हमारे ग्रुप का ये नॉर्म्स है, ये रूल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं, ये थ्योरेटिकल आस्पेक्ट, आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपने बिहेवियर को करना है और उन नियमों को फॉलो करना है। इसके बियॉन्ड जाके अगर आप करेंगे तो आप पनिशमेंट के, रिजेक्शन के, ठीक है, टर्मिनेशन के को देख सकते हो, ठीक है, आपको मिल सकता है। मेंबर्स को एक स्पेसिफिक स्टेटस एक या पुरस्कार या रिवॉर्ड ग्रुप द्वारा तभी दिया जाता है जब वो इन नॉर्म्स को फॉलो कर रहे होते हैं। जो भी मेंबर इन नॉर्म्स को क्या करता है, डिसफॉलो करता है या फॉलो नहीं करता है तो उसमें तो ग्रुप में उसकी का क्रिटिसिज्म होता है, उसे पनिशमेंट मिलता है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। अब जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स क्यों बनाए जाते हैं भाई, नॉर्म्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उस ग्रुप्स के जो भी गोल्स हैं, पर्पस हैं, वैल्यूज़ हैं उनको फॉलो किया जाए और जो टीम मेंबर्स हैं अपना बेस्ट दें ताकि उनके उस ग्रुप के गोल्स को अचीव किया जा सके। इसके साथ ही नॉर्म्स इसलिए भी बनाए जाते हैं बाय रिमूविंग द डाउट एंड स्ट्रेस, ताकि मेंबर्स के डाउट को, स्ट्रेस को, अनसर्टिनिटीज को, ये डाउट स्ट्रेस किससे आते हैं, अनसर्टिनिटीज से आते हैं, तो रिमूव किया जा सके पर्सन के डाउट और स्ट्रेस को, उसकी अनसर्टिनिटीज़ को दूर किया जा सके और ग्रुप के जो मेंबर्स हैं आपस में कोलैबोरेट होके मिलकर इफ़ेक्टिवली एक अच्छा बिगर इम्पैक्ट दे पाएँ, एक अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएँ, क्वालिटी वर्क कर पाएँ। When team member have and understand group norms, they know what is expected of them and they can execute accordingly. जब ग्रुप के जो या टीम के जो मेंबर्स हैं अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं ग्रुप नॉर्म्स को तो वो अच्छे से ये भी जान पाते हैं कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उन्हें क्या एग्जीक्यूट करना है अकॉर्डिंगली, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है जब वो अच्छे से समझ रहे हैं चीज़ों को तो वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। जस्ट लाइक नोइंग योर प्रोजेक्ट प्रायोरिटीज हेल्प्स यू फोकस ऑन योर हाइएस्ट इम्पैक्ट वर्क, अंडरस्टैंडिंग योर टीम एक्सपेक्टेशन हेल्प्स यू कोलेबरेट मोस्ट इफेक्टिवली। जब आप समझ जाओगे कि आपको किसी काम में, ठीक है, क्या गोल प्राप्त करना है, क्या हाइएस्ट इम्पैक्ट देना है, किस तरीके से काम करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप कोलेबरेट होकर काम करोगे और इफेक्टिवली सबकी एक्सपेक्टेशंस को अच्छे से फुलफिल कर पाओगे। ग्रुप नॉर्म्स ऑल्सो हेल्प टीम मेम्बर्स स्पेंड देयर टाइम मोर इंटेंशनली, ठीक है। ग्रुप नॉर्म्स ये भी बताते हैं कि टीम मेंबर्स को इंटेंशनली अपना समय किस तरह से बिताना है।
टू ऑफन आवर अटेंशन इज नॉट अलाइंड विद आवर इंटेंशन. कई बार हमारा जो टेंशन होता है अलाइन नहीं होता हमारे इंटेंशन से. वी स्पेंड सो मच टाइम ऑन वर्क अबाउट वर्क इंस्टीड ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क. ग्रुप नॉर्म्स सिंप्लीफाई मीटिंग्स प्रैक्टिसेस कम्युनिकेशन प्रेफरेंस बाय क्लियरली डिफाइनिंग हाउ टीम मेंबर्स शुड इंटरेक्ट. ठीक है, ग्रुप नॉर्म सीधे से हमें बताते हैं, बहुत ही सिंपल मीनिंग में क्लैरिफाई कर देते हैं कि किस तरह की जो टीम के मेंबर्स हैं उनको इंटरेक्ट करना है, किस तरह उन्हें मीटिंग में कम्युनिकेशन को प्रेफरेंस देना है. ठीक है, अपने डाउट्स को दूर कर देना है. टर्निंग दिस इम्प्लिसिट रूल्स इनटू एक्सप्लिसिट टीम वाइड पॉलिसीज रिड्यूसेस द गेस्ट वर्क ऑफ हाउ टीम मेंबर्स शुड शो अप एंड इंक्रीज इफेक्टिवनेस इज अ रिजल्ट एज अ रिजल्ट. ये तो आप लोग जानते हो, जब तक हम कुछ बताएंगे नहीं तब तक सामने वाला समझेगा नहीं. और सामने वाले को समझने के लिए ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन और इंट्रैक्शन प्रॉपर होता रहे. तो मीटिंग्स अरेंज की जाती हैं घर में भी, फैमिली मेंबर्स में भी. क्या होता है, फादर्स हैं अगर हम इनफॉर्मल ग्रुप्स की बात करें, हाँ, तो पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को बैठा के समझाते हैं, देखो बेटा हमारा परिवार सदियों से ये नियम को फॉलो करता चला आ रहा है, आपको भी इसी तरीके करना है, आपके भैया बहुत अच्छे स्कोर लेके आए, आपके दादाजी बहुत अच्छे स्कोर लेके आए, आपको इस एरिया में बढ़ना है, मिलिट्री में जाते थे हमारे फैमिली के लोग. तो इस तरीके से चीज़ों को सामने रखा जाता है ताकि जो मेंबर है उस ग्रुप का चीज़ों को अच्छे से समझ सकें. यही चीज़ें होती हैं जब हम फॉर्मल ग्रुप की बात करते हैं, जो रूल्स सर्टेन स्पेसिफिक और सर्टेन डिफाइंड रूल्स को फॉलो करते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन. वहाँ पे भी पता होता है कौन सी ड्रेस पहननी है बच्चों को, टीचर्स को कितने बजे आना है, कहाँ अटेंडेंस लगाना है, ठीक है, कब कब एग्ज़ाम्स होंगे. सर्टेन नॉर्म्स हैं जिसको फॉलो करना है ताकि उस ग्रुप का एग्जिस्टेंस बना रहे हैं. अब ग्रुप नॉर्म्स में क्या एडिशन है, क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग टीम मेंबर्स. टीम मेंबर्स के बीच में एक बिलोंगिंगनेस की, एक अफेक्शन की भावना होती है बाय एम्पावरिंग देम टू टेक पार्ट ऑफ अ डिसीजन मेकिंग, ताकि डिसीजन मेकिंग में वो एक दूसरे को एम्पावर कर सकें. इंक्रीज ट्रस्ट, ट्रस्ट को इंक्रीज करना होता है बिकॉज एवरीवन इज ऑन द सेम पेज, क्योंकि सभी लोग एक सेम पेज पे होते हैं अबाउट व्हाट्स हैपनिंग एंड देयर रोल इन इट, कि क्या हो रहा है और उनका रोल क्या है. बूस्ट टीम वर्क बाय रिप्लेसिंग अनसर्टिनिटी विद प्रेडिक्टेबिलिटी. ठीक है, क्या करना होता है, अनसर्टिनिटी को रिड्यूस करना होता है और टीम वर्क को बूस्ट करना होता है प्रिडिक्शन के साथ. इस्टैब्लिश टीम वाइड पॉलिसीज ऑन कम्युनिकेशन स्टाइल्स टू रिड्यूस परसीव्ड सोशल लोफिंग. ठीक है, अभी क्या करना है, इस्टैब्लिश करना है टीम वाइड पॉलिसीज़ को, टीम पे आधारित पॉलिसीज़ को, ना कि सिंगल इंडिविजुअल पॉलिसीज़ को, जिससे टीम में सभी का भला हो. ठीक है, और वर्क परफॉर्मेंस भी अच्छी हो सके. कम्युनिकेशन स्टाइल्स पे फोकस करना है और रिड्यूस करना है सोशल लूफिंग को. सोशल लूफिंग आपको पता है ना क्या होता है, कि जब हम सब लोग ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो अपने ऊपर लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से वर्क परफॉर्मेंस वर्स्ट हो जाती हैं. नेक्स्ट है एवरी टीम हैज़ यूनिक ग्रुप नॉर्म्स. हर टीम का यूनिक ग्रुप नॉर्म्स होता है. अब क्या होता है कि जब भी मीटिंग की जाती है, हैज़ एन एसोसिएटेड मीटिंग एजेंडा, कुछ ना कुछ गोल होता है, पर्पस होता है, एम होता है. ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली जो मीटिंग्स होती हैं उसका टाइम सेट किया जाता है, लोग अपने आप को प्रिपेयर करते हैं उस मीटिंग एजेंडा के लिए. ठीक है, मैं ये मीटिंग कॉल करती हूँ तो आप लोगों से कहती हूँ ना आज हम लोग इस पे बात करेंगे. जब आप लोग और आगे बढ़ोगे तो आपको मीटिंग कॉल्स की जाएंगी आपके प्रोजेक्ट करने के लिए, डिसर्टेशंस करने के लिए. ठीक है, हर मीटिंग का एक अलग एजेंडा होगा अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस पोजिशंस. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू योर क्लास. टीम मेंबर्स ट्रैक इंडिविजुअल टू डूज एंड इन अ शेयर्ड वर्क मैनेजमेंट टूल, सो एवरीवन सीज हाउस हु इज डूइंग व्हाट बाय व्हेन. ठीक है, टीम वर्क जो होती हैं, टीम मेंबर्स जो होते हैं ट्रैक कर सकते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंस को, ताकि पता चल सके कि वर्क मैनेजमेंट टूल किस तरह वर्क कर रहा है, आपको कैसे काम करना है, किसने कितना किया और कैसे किया. टीम मेंबर्स कम्युनिकेट अबाउट वर्क इन शेयर टूल्स लाइक आसान और स्लैक, सो एवरी वन हैज़ एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन दी नीड. ठीक है, अब ये क्या है, कम्युनिकेशन टूल्स हर जगह बहुत अलग अलग से होते हैं और वो टूल्स इसलिए भी होते हैं ताकि हम क्या कर सकें, ट्रैक कर सकें परफॉर्मेंस को और हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें मिल सकें. इससे क्या होता है, टीम मेंबर्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी आती है, विजिबिलिटी आती है, ग्रुप डिस्कशन बढ़ता है, जिससे डाउट वगैरह दूर हो जाते हैं. टीम मेंबर्स आपस में अपनी प्रायोरिटीज़ को शेयर करते हैं. ठीक है, एवरी मंडे मॉर्निंग मीटिंग्स रख ली, एवरी सैटरडे को पीटीएम रख लिया गया. ठीक है, ये इस तरह के
फिर ग्रुप मेंबर्स अज्यूम्स पॉजिटिव इंटेंट एंड लीड विद इंटेंशनैलिटी. ठीक है, टीम मेंबर्स क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं पॉजिटिव इंटेंट को और लीड करते हैं इंटेंशनैलिटी को. अगर डिसएग्रीमेंट्स अराइज हो रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रैटजीज अपनाएंगे. ठीक है, टीम मेंबर्स प्रायोरिटाइज करते हैं क्लियर फास्ट डिसीजन मेकिंग को. ठीक है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो डिसीजन मैट्रिक्स को अपनाते हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटजीज को अपनाते हैं. ठीक है, मतलब ओवरऑल ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, सिंपल सिंपल सी, ग्रुप मेंबर्स के लिए क्या किया जा रहा है, कम्युनिकेशन को इंक्रीज़ किया जा रहा है, इंटरेक्शन को बढ़ाया जा रहा है ताकि वो ग्रुप के नॉर्म्स को अच्छे से समझ सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें, अपनी बेस्ट वर्क परफॉर्मेंस दे सकें. इसमें बताया गया है कि हर मीटिंग का अपना एक एजेंडा होगा ताकि आप उस ग्रुप के वर्क परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए उसके एम को समझ सको और उसके गोल तक पूरा करने में अपना बेस्ट एफर्ट दे सको. ठीक है, अगर कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है, तो रिजोल्यूशन स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं और तुरंत के तुरंत ही क्लियर कर दिया जाता है फास्ट डिसीजन मेकिंग के थ्रू. यही सब चीज़ें बताई गई हैं. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कोहेसिवनेस का. कोहेसिवनेस क्या है, एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो मेंबर्स के बिहेवियर को काफ़ी इफेक्ट करता है. कोहेसिवनेस से तात्पर्य है कि उन सभी फैक्टर्स या फोर्सेस से जो ग्रुप के मेंबर्स को ग्रुप में बने रहने के लिए मोटिवेट करते हैं. एक कोहेसिव ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, लाइक करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हेल्प करते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है, एक कोहेसिव ग्रुप का इफेक्ट मेंबर्स पे पड़ता है. ठीक है, पर यदि किसी कॉज से ग्रुप में कोहेसिवनेस कम हो जाती है तो ऐसे ग्रुप का जो इफेक्ट है उनके मेंबर्स पर नहीं पड़ता, ना के बराबर पड़ेगा. ठीक है, तो बेसिकली जो कोहेसिवनेस है एक यूनिफाइड या यूनिटरी फीलिंग है, आपको एकजुट रखने की फीलिंग है जिसमें एक इंसान अपने आप को खुद से, दूसरों से और पूरे ग्रुप से जोड़े रखता है. यही चीज़ सामने वाला भी करता है. ठीक है, यही है ग्रुप कोहेसिवनेस, होलनेस की फीलिंग एक तरीके से. कोहेशन जो है बेटा, डिफ़िकल्ट टू अचीव एंड इवन हार्डर टू मेंटेन, बहुत मुश्किल से अचीव होता है और बहुत ही मुश्किल से, कठिनाई से आप इसको मेंटेन रख पाते हो. हाउएवर विद द राइट स्ट्रेटजीज एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन क्रिएट स्ट्रॉन्गर कोहेशन विद इन टीम्स और ग्रुप्स. ठीक है, फिर भी हम कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज को, राइट स्ट्रेटजीज को अपना के इस कोहेशन को बनाए रख सकते हैं. कोहेशन इन अ टीम इज द एबिलिटी ऑफ अ ग्रुप टीम और ऑर्गेनाइजेशन मेंबर टू फंक्शन एज अ होल और यूनिट इन फुलफिलिंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. ठीक है, वही चीज़ जो मैंने बताई कि कोहेशन क्या है, एक ऐसी एबिलिटी है किसी भी ग्रुप की, टीम की, ऑर्गेनाइजेशन की, इंस्टीट्यूशन की, के मेंबर्स की, जिसमें वो एज अ होल वर्क करती है, यूनिट की तरह वर्क करती है ताकि, और उसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, यूनिटी की फीलिंग्स होती हैं, ताकि कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया जा सके, अचीव किया जा सके. इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ एवरीवन फिट्स इन एंड कोलेबरेट्स टूवर्ड्स शेयर्ड गोल्स. ये बताती है, एक अंडरस्टैंडिंग की ऐसी फीलिंग है जो बताती है कैसे आप अपने आप को फिट करोगे, कोलेबरेट करोगे गोल्स को पाने के लिए. जो हाई फंक्शनिंग टीम्स होती हैं मोर देन जस्ट अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल के एक कलेक्शन से, झुंड से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें कोहेशन ज़्यादा होता है. ठीक है, तो टाइम टू टाइम इस तरह की जो टीम्स होती हैं बनती रहती हैं. आगे बढ़ते हैं, ग्रुप कोहेशन रिफर्स टू द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स अमंग ग्रुप मेंबर्स एंड देयर शेयर्ड कमिटमेंट टू स्टेइंग पार्ट ऑफ द ग्रुप. जो ग्रुप कोहेशन है बेसिकली आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को शेयर करता है, जिसमें कमिटमेंट, डेडिकेशन, ठीक है, होता है. बहुत सारे फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं लेवल ऑफ ग्रुप कोहेशन को. इन जनरल ग्रुप बिकम्स मोर टाइटली निट व्हेन गेनिंग मेंबरशिप इज चैलेंजिंग. ठीक है, अगर आमतौर की भाषा में कहें तो ग्रुप जो होते हैं बिकम टाइटली नेट बंधे हुए होते हैं व्हेन गेनिंग मेंबरशिप इन चैलेंजिंग, जब उसकी मेंबरशिप ली जाती है. इंटेंस कंपटीशन विद अदर ग्रुप्स और फेसिंग सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल थ्रेट्स कैन आल्सो फॉस्टर ग्रुप कोहेसिवनेस. ठीक है, बहुत सारा कॉम्पिटिशन है, ठीक है, अदर ग्रुप्स के साथ फेस कर रहे हो सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल थ्रेट को, बाहर से बहुत सारे थ्रेट्स मिल रहे हैं अगर किसी ग्रुप को, तो भी क्या होती है, फॉस्टर होती है ग्रुप कोहेसिवनेस.
Smaller groups that spend substantial time together also tend to exhibit higher cohesiveness. Smaller groups बहुत ज़्यादा इंट्रैक्ट कर लेते हैं, आपस में एक साथ बने रहते हैं, ठीक है, सब्सटेंशियल टाइम स्पेंड कर पाते हैं और इसी वजह से उनकी हाइयर कोहेसिवनेस पाई जाती हैं। इनहेंसिंग ग्रुप कोहेसिवनेस कैन पॉजिटिवली इंपैक्ट टीम वर्क इफेक्टिवनेस एंड बूस्ट एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली बात है, जब कोहेसिवनेस ज़्यादा होगी तो टीम वर्क हम इफेक्टिवली करेंगे, हमारी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो हाई होगी, ठीक है। और बेसिकली जो ग्रुप कोहेसिवनेस है वो सपोर्ट करती है एम्प्लॉयज को अचीव करने में उनके पर्सनल, प्रोफेशनल या कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को। आप इन एक उसमें देखें ब्रीफ में, व्हाट इज़ कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस रिफर्स टू द यूनिटी, लिंक एंड शेयर्ड इंटरेस्ट अमंग पीपल विद इन अ ग्रुप, ठीक है। एक ग्रुप में जो लोग हैं वो उनमें यूनिटी, उनके आपस में जो लिंक्स हैं, बॉन्ड हैं और शेयर्ड इंटरेस्ट को दिखाती है कोहेसिवनेस, वही जो मैंने बताया। एज यूनिटी इंप्रूव्स, ग्रुप मेंबर्स बिगिंस टू मैच देयर थॉट्स। जैसे जैसे यूनिटी इंप्रूव होती हैं, ग्रुप के जो मेंबर हैं आपस में अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, एक्शंस को, ठीक है, चेंजिंग इनटू अ यूनिफाइड एंटिटी रादर देन सेपरेट पीपल। तो ऐसे चेंज करने लगते हैं जैसे वो एक होल हों, ठीक है, रादर देन एन इंडिविजुअल के रूप में, ठीक है। वो अपने आप को मैं के रूप में नहीं देखते, वे अपने आप को वी फीलिंग के रूप में देखने लगते हैं जैसे जैसे कोहेसिवनेस बढ़ने लगती है। हाईली यूनिफाइड जो ग्रुप्स होते हैं उसमें मेंबर्स शो अ स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू स्टिल लॉयल टू द ग्रुप। उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो ग्रुप के लिए बहुत लॉयल होते हैं, ठीक है, रादर देन उनके जिनमें लेस कोहेसिवनेस पाए जाए। जिसमें लेस कोहेसिवनेस होगी ऑब्वियसली बात है लॉयल्टी कम हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है ग्रुप कोहेसिवनेस की। कोहेसिव ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉलर नंबर ऑफ मेंबर। कोहेसिव ग्रुप्स जहाँ पे भी होंगे, जहाँ भी यूनिटी फीलिंग बहुत होगी, थोड़ा सा कम नंबर होंगे, मेंबर्स कम होंगे। मेंबर्स इन कोहेजन टीम्स शेयर कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, और बैकग्राउंड, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, कॉमन बैकग्राउंड होते के होते हैं ये लोग। दीज ग्रुप्स होल्ड अ सिग्निफिकेंट स्टेटस विद इन ऑर्गेनाइजेशन, सिग्निफिकेंट स्टेटस होता है इनका। मेंबर्स मेंटेन एक्सेसिबिलिटी टू ईच अदर। मेंबर्स की जो एक्सेसिबिलिटी, एक दूसरे तक पहुंचने की जो पहुंच है, ठीक है, वो क्या होती है, वो मेंटेन रखते हैं, मेंटेन एक्सेसिबिलिटी टू ईच अदर। आराम से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ईच कोहेजन टीम इज़ जियोग्राफिकली सेपरेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो कोहेजन टीम्स होती हैं जियोग्राफिकली सेपरेटेड होती हैं फ्रॉम अदर ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। रेगुलर रिकॉग्निशन इज़ गिवन टू कोऑपरेटिव बिहेवियर विद इन कोहेजन ग्रुप्स। अगर हम रेगुलर रिकॉग्निशन देते हैं, उनको पहचान देते हैं, इस टीम ने ये किया, हम उनको एक एक्नॉलेज कर रहे हैं, उन्होंने जो भी वर्क में प्रोडक्टिविटी, वर्क परफॉर्मेंस दी है उसके बेस पे एक्नॉलेज कर रहे हैं, उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं, रिकॉग्निशन दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, कोऑपरेटिव बिहेवियर बढ़ जाता है एक तरीके से और कोहेजन ग्रुप्स जो होते हैं और स्ट्रांग हो जाते हैं। कोहेसिव टीम्स बूस्ट आर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ पास्ट अचीवमेंट। कोहेसिव टीम्स का आप पिछला पास्ट रिकॉर्ड जो होता है बहुत अच्छा होता है, बूस्टअप होता है। सिग्निफिकेंस क्या है ग्रुप कोहेसिवनेस के, इन्हेंस परफॉर्मेंस आपकी बढ़ जाएगी, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग लिंक होगा आप लोग के बीच में, इसी वजह से जो आपकी परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी होगी। इंक्रीज सेटिस्फैक्शन, जिस भी ग्रुप में कोहेजन ज़्यादा है तो परफॉर्मेंस ही सिर्फ नहीं बढ़ेगी बल्कि वहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनके बीच में सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है, वो ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे अपने गोल्स को पाने में। एश्योरेंस ऑफ टास्क कम्प्लीशन, एक जो ग्रुप कोहेजन वाले लोग होंगे वो अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा एश्योर होंगे कि हाँ वो उस टास्क को अचीव कर लेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर लेंगे। इमोशनल कनेक्शन, ग्रुप कोहेसिवनेस अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है उस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, उनका ग्रुप के लोगों के साथ, खुद के साथ, अगल बगल के लोगों के साथ इमोशनल कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रुप कोहेसिवनेस को। पहला है टाइम इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली बात है ग्रुप कोहेसिवनेस के लिए ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट कुछ तो टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने ग्रुप के साथ, ठीक है, तभी बॉन्डिंग जो होगी वो रेज होगी, बढ़ेगी, तभी आप एक दूसरे को जान पाओगे। कभी देखा है कि आप फैमिलियर नहीं हो सामने वाले से और आपकी कोहेसिवनेस, आपकी फैमिलियरिटी, कोऑपरेटिवनेस जब बहुत ज़्यादा हो गई, नहीं, आप जब जानते हो, जानने लगते एक दूसरे को, तभी ग्रुप कोहेसिवनेस बढ़ती है। फिर है ग्रुप साइज। जितना ज़्यादा स्मॉलर ग्रुप होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कोहेसिवनेस पाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि क्लोजनेस जो है फॉस्टर करेगी ट्रस्ट को, लॉयल्टी को और
छोटे ग्रुप्स को कंट्रोल करना, समझना, जानना, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इजी होती हैं कंपैरेटिवली लार्जर ग्रुप के। इंगेजमेंट भी ज़्यादा होता है स्मॉलर ग्रुप्स में। शेयर्ड वैल्यूज़ जो होती हैं, अगर आपकी पर्सनल वैल्यूज़, गोल्स, व्यूज़, ठीक है, टेंड टू फील मोर एट ईज़ विद वन अनदर, ठीक है, जो भी आपके ग्रुप के वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, व्यूज़ हैं, वो एक दूसरे को ज़्यादा क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, ईज़ दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, ये भी ग्रुप कोहेसिवनेस को इफेक्ट करेगा, तो ग्रुप कोहेसिवनेस ज़्यादा पाई जाएगी, ठीक है, इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप होगी, स्ट्रेंथिंग होगी फ्रेंडशिप, और वर्कर्स ज़्यादा बूस्ट तब होंगे इन परफॉर्मेंस और इन हैप्पीनेस। बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग, अगर रिकॉग्नाइजिंग है, अंडरस्टैंडिंग वेरियस इम्प्लाई बिहेवियर, अगर वहाँ पे जितने भी ग्रुप में मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया जा रहा है, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, ठीक है, पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज चलाई जा रही हैं, इंट्रोवर्जन कैन गाइड एफर्ट्स टू इम्प्रूव ग्रुप कॉपरेशन, इंट्रोवर्ट पर्सन हैं अगर वहाँ पे उनको भी गाइड किया जा रहा है, बहुत ही सपोर्टिव कॉपरेटिव इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, तो ये भी बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग फैक्टर भी ग्रुप कोहेसिवनेस को बढ़ाने में क्या करेगा, अपना इंपॉर्टेंट रोल प्लेगा। मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस, मैनेजमेंट किस तरह का रोल प्ले कर रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अगर मैनेजमेंट आपका बहुत ही रिजिड है तो ग्रुप कोहेसिवनेस क्या होगी, लो हो जाएगी। अगर मैनेजमेंट या लीडर जो है वो क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ थिंग अ बॉन्ड अमंग ग्रुप मेंबर्स बाय प्रेजिंग हेल्पफुल बिहेवियर, ठीक है, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल मैनेजमेंट है, आपकी प्रॉब्लम्स को समझ रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, कॉपरेट कर रहा है, तो क्या होगा, ग्रुप कोहेसिवनेस उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो यही है आपका ग्रुप कोहेसिवनेस, तो इसके भी नोट्स प्रॉपरली बना लीजिए, समझ लीजिए क्या है और वीडियोज़ देख लीजिए, ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।